दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो हर पशुपालक के पास में होना चाहिए, जो निमन काम करता है। जैसे कोल कोल की बात करें तो ये एसिडोसिस, डायरिया और जो कम पशु चल रहा है उसमें भी काम करते हैं। एसिडोसिस के अंदर डायरिया, जैसे धस लग रहे हो किसी पशु के, तो उस कंडीशन में भी आप इसको दे सकते हैं। इंडाइजेशन, जैसे पशु कम चल रहा हो तो उस कंडीशन में भी दे सकते हैं इसको। एसिडोसिस, जैसे रुमेन का पीएच वो डिस्टर्ब हो गए हो वो उस कंडीशन में दे सकते हैं। किसी कारण से जैसे रुमेन का पीएच वो डिस्टर्ब होता है उसमें भी दे सकते हैं आप। इसकी मात्रा की बात करें तो छोटे बड़े कितने पशु, यानी पर ML, पर केजी 1 ML देना आपको। यानी जैसे आपका पशु मान लीजिए 50 किला का है तो 50 ML देना है ये इसकी। और प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये 500 ML के अंदर उपलब्ध है। अब अगला प्रोडक्ट है वो है कोल एल। दोस्तों ये कोल एल है, ये नियमन काम करता है। जैसे पॉइजनिंग का कोई भी केस हो, पॉइजनिंग का उसमें काम करेगा। किस मतलब किसी कारण से कोई पशु जहर खा जाए या अज्ञातवंश, तो उसमें भी ये अच्छा काम करता है। इंफेक्शन बंद के लिए भी आप दे सकते हैं, बंद पड़ गए वो पशु उसमें भी दे सकते हैं। और टैम्पनी या ब्लॉट यानी आफरा, चाहे झाग वाला हो चाहे साधारण आफरा हो, उन दोनों में काम करता है। इसकी भी वही डोज है, 1 ML पर केजी बॉडी वेट पर देना आपको। और इसकी प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये 500 ML और 100 ML में उपलब्ध है, यानी आधा लीटर में और 100 ML में उपलब्ध है। अगला प्रोडक्ट है वो कोल एल 2X के नाम से है। इन्हीं को सुधार कर, जैसे कोल एल है उसको सुधार के बना गया, इसमें थोड़ा अच्छा सुधार किया गया है। कोल एल 2X के नाम से है दोस्तों। इसमें भी वही सेम काम है, परंतु तो इसमें डबल स्ट्रेंथ है। मतलब ये भी पॉइजनिंग में काम करता है, यानी कोई पशु कोई जहरीली वस्तु खा जाए उसमें काम करेगा, ब्लोट में, टैम्पनी आफरा में भी काम करेगा, या फिर एसिडोसिस है उसमें भी काम करता है, और इंफेक्शन बंद में भी काम करता है। इसमें एक्टिव चारकोल डाला गया है और लैगजेक्टिव ऑस्मेटिक डाला गया है। इसकी मात्रा, जैसे देने की मात्रा वही, मतलब 1 ML पर केजी बॉडी वेट पर देना आपको। और प्रेजेंटेशन की बात करें तो 300 ML में है। इसमें सुधार ये किया गया है कि कोल एल था वो नीचे मतलब जमाव होता था उसमें सस्पेंस में। इसमें क्या है, एक तो जमाव नहीं होगा, आपको हिलाने डुलाने की जरूरत नहीं, उसको ऑटोमेटिक ही वो थोड़ा सा डाल सकते हैं। दूसरा, इसमें देने की बहुत ही अच्छी पैकिंग है, जेल की तरह है, यानी उसकी गर्दन वो लंबी है, आसानी से उसमें दे सकते हैं, कोई डचिंग वगैरह नहीं होगा इसमें, आराम से दे सकते हैं उसमें। तो ये इसकी पैकिंग भी अच्छी की गई है। अब इसकी रेट वाइज देखी जाए तो कोई ज़्यादा नहीं है, 200 से 220 रुपये के आसपास है तीनों ही प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, केरस कंपनी के। तो ये था, तीन कंडीशन में काम करते हैं तीनों, डायरिया के अंदर, दस्त में, इंफेक्शन के अंदर बंद में, और पॉइजनिंग के अंदर कोई जहरीली वस्तु या जहरीली कोई पदार्थ खा जाए उसमें भी काम करते हैं, और ब्लॉट यानी आफरा के अंदर है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। अंत में सभी दोस्तों का वीडियो पूरा देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद जी।